गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी बीएस सेकेंड ईयर की सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। लंबे समय बाद आज फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप सबका स्वागत है इसमें। बेटा, जैसा कि हम पहले ब्रिटेन के संविधान में कुछ वीडियो जो है उनमें आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका बीएस सेकेंड ईयर का प्रथम पेपर जिसमें विश्व के प्रमुख संविधान, जिसको संविधानों की दुनिया भी आप कह सकती हैं, जिसमें ब्रिटेन का संविधान हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रिटेन के संविधान में आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग संविधानों का समावेश है। आप यूँ भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ब्रिटेन के संविधान में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको दुनिया के देशों ने अपने संविधानों में शामिल किया है, ब्रिटेन के संविधान का अनुसरण किया है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सबसे अद्भुत विचित्र संविधान है। आप बेटा, आज जो है वीडियो में आपकी क्लास लेने का तरीका जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। आप अपने आप को एक मिनट के लिए इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको मैं सामने से पढ़ा रही हूँ और आप मुझे पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम क्लास में नोट्स लिखते थे, जिस तरीके से मैं आपको क्लास में पढ़ाती थी, ठीक उसी तरीके से हम इन वीडियो क्लासेस में भी पढ़ेंगे। क्योंकि पीडीएफ के जरिए मैं आपको जो नोट्स भेज रही हूँ और आपको मैं जो बिना देखे जो लेक्चर देती हूँ बेटा, पिछले वीडियोस में जैसा कि आपने सुना होगा उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसान एक एक चीज़ को बिना लिखवाए जब डिस्कस करता है तो उसमें मोटी मोटी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है, सारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने दोबारा से अपने इस वीडियो में इस तरह की मुहिम को शुरू किया है जिसमें आपको एज इट इज ऐसा आभास हो, ऐसा आपको लगे, आप पेन और कॉपी उठाएं और बाकायदा नोट्स बनाते हुए इस वीडियो को पढ़ें। आज आपकी क्लास जो है वो रोज 20-22 मिनट की होगी। 20-22 मिनट में आप जितना लिख पाते हैं, जितना मैं आपको समझाती हूँ उतना समझ पाते हैं, उतना ये समझ लीजिए कि अपने सिलेबस का वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस प्रकार से आज हम वीडियो में बिना आप यूँ समझ लीजिए कि बिना किसी चीज़ की काट छांट किए सिलेबस में एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को लेते हुए साथ लेते हुए चलें और उसी प्रकार से हम पढ़ें जिस प्रकार से आप उसे क्लास में पढ़ते आए, ठीक है। तो बेटा, आज जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रही हैं कि ब्रिटेन के संविधान में आज हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी समय हम पढ़ चुके हैं ब्रिटेन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत हम पढ़ चुके हैं, राजा और राजमुकुट मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया, इसके बाद अभी समय मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अब नंबर आता है, बारी आती है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की। इसमें एक हल्का सा जो है आपको मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रधानमंत्री, आप यूँ कह सकते हैं कि भले वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो चाहे वो भारत देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि दोनों में ही संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल के नेता को जो सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर कर आती है, जिसको सबसे अधिक लोगों का समूह बहुमत मिलता है, उसके उस दल के नेता को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते हैं बल्कि उसके दल को आप वोट करते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वसम्मति से दल की पूरी सहमति से प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है। याद रहे आपको कि सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की जो परंपरा है वो सबसे पहले ब्रिटेन से ही प्रारंभ हुई है। ब्रिटेन में प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मिस्टर वॉलपोल था और वॉलपोल जब प्रधानमंत्री बने तो कोई ट्रेडिशन से नहीं, वहाँ कोई ऐसा लिखित कोई नियम नहीं था, किसी ने पहले ये दिमाग में भी नहीं रखा होगा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए इस प्रकार से, नहीं। वहाँ पे एक लंबे समय से जो आवश्यकताएँ चली, जिस प्रकार से जो चीज़ें चल रही थी, उन्हीं के अनुरूप ये हुआ कि वहाँ पर आज भी द्विदलीय शासन व्यवस्था है। भले ही दल बदलते गए हैं लेकिन शुरू से लेकर के आज तक अगर हम अध्ययन करें ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का, तो वहाँ पर मुख्यतः दो ही दलों का अस्तित्व रहा है। दो ही दलों में आज वहाँ पर जो दल हैं
उनमें आप यूँ कह सकते हैं कि आज भी एक दल की सत्ता बनती है, सरकार बनती है, तो दूसरा दल निश्चित रूप से अल्पमत में होता है और वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो इसमें स्पष्ट स्थिति ये हो जाती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को देश में सबसे अधिक बहुमत मिला है उस दल का नेता जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। अब प्रधानमंत्री बन जाने के बाद क्या होता है? बात आता है कि उसका एक मंत्रिमंडल होगा, वो अपने सहयोगियों का एक ऐसा जो है सदन गठित करेगा जिसमें वो गठित व्यक्ति जो है वो अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे, जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के चारों तरफ विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का जो है वो दायित्व निभाते हैं, उत्तरदायित्व उन पर होता है। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि देश की मुख्यतः कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं, मुख्यतः जो विभाग होते हैं, उन सबका उत्तरदायित्व जो है वो प्रधानमंत्री और उसके बाद उनके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का ही होता है। तो इस प्रकार से एक मंत्रिमंडल, जिसकी संख्या आप कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित की गई है, ब्रिटेन में मुश्किल से 8 या 10, 12 से 15 व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री अपने बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिनका लंबे समय से पार्टी से जुड़ाव होता है, जो अनुशासित होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो कार्य करने में दक्ष होते हैं और उन्हें लंबा पॉलिटिकल अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में चूंकि एजुकेशन को वेटेज दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पॉलिटिकल पार्टी में तो अनुभव लंबा रखता ही रखता है, इसके अलावा उसमें विशेष उस विभाग को संभालने की दक्षता भी होती है, उसमें वो योग्यता भी होती है। इस प्रकार से वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही सुशिक्षित तरीके से एक मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन कर लेता है, उसके बाद एक मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। अब आमतौर पर ज़्यादातर विद्यार्थी क्या समझते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को वो एक ही समझ बैठते हैं और उनमें उनको कोई विशेष अंतर नजर भी नहीं आता है। लेकिन आप भले ये जो आपको मैं अभी चीज़ बता रही हूँ, ये अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान में भी है और ये भारत के संविधान में भी है, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो रही है। क्योंकि बेटा सेकंड पेपर जैसे आप पढ़ेंगे भारतीय शासन, तो भारतीय शासन और राजनीति में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उसमें भी प्रधानमंत्री होगा, उसमें भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होगी, तो सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि लगभग भारत का जो संविधान है वो आप ब्रिटेन के संविधान की तर्ज पर ही निर्धारित है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है उनमें हम अंतर करते हैं तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से इसमें जो है बताती हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं पढ़कर इसमें सुनाती हूँ आपके नोट्स के अकॉर्डिंग कि बेटा सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विकास हुआ, कहाँ? ब्रिटेन में। 19वीं शताब्दी में उसके सुनिश्चित स्वरूपों को विकसित किया गया और मंत्रिमंडल के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य हों, सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हों और संसद में उस दल का बहुमत हो। आगे वही बात घूम करके आपको शायद समझ में नहीं आएगी, मैं आपको उसमें जो है इसका आपको सरल तरीके से बताती हूँ कि उसी पार्टी के व्यक्ति होंगे, उसी दल के व्यक्ति होंगे, जाहिर सी बात है उसी दल के जो बहुमत से आए हैं मंत्री, प्रधानमंत्री उसी दल का बनेगा, मंत्रिमंडल उसी दल का बनेगा, तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद भी उन्हीं का बनेगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन की शुरुआत है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंत्रिमंडल की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे देखो आप यूँ कह सकते हैं कि 7 या 8 व्यक्तियों का एक जो समूह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है, उनका ये जो समूह है ये पूरे देश को चलाता है, पूरे देश की राजनीतिक शक्तियों को अपने विभागों में समाहित करता है और उन्हीं विभागों के आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे शुरू में इस बात की कल्पना नहीं की गई थी कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री और जो है उसका मंत्रिमंडल जो होगा वो इतना पावरफुल होगा, लेकिन समय की मांग के अनुसार इन सब चीज़ों में भारी वृद्धि हुई और आज वर्तमान समय में स्थिति ये है, भले वो भारत की व्यवस्था हो, भले वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था हो, सब में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कंप्लीट राजनीतिक शक्ति के कर्ताधर्ता होते हैं, कंप्लीट उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और निरंतर इनकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है।
आज राजा या सभी आप यूँ कह सकते हैं कि राजा या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो आपको सरकार में सहभागी तो नजर आएगा, लेकिन वो सभी एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक छाया के मात्र छाया के हिसाब से हैं। बाकी मूल शक्तियों का जो स्रोत है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि लावेल का एक कथन है बेटा, लावेल ने मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अपना एक कोटेशन दिया है और वो है कि प्रधानमंत्री का यह कार्य ऐसा ही है जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लॉकों की सहायता से जो एक दूसरे से मेल खाते हो। सभी ब्लॉक हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक जगह है और उसके एक पिंड है, आप यूँ कह सकते हैं पिंड भी नहीं समझेंगे आप यूँ समझिए जैसे मान लीजिए कि एक मंजिल है, एक घर है और एक घर में अलग अलग झरोखे बनाते हैं, ठीक है। वो झरोखे अलग अलग तरीके से इधर से जब रोशनी होती है तो इधर की रोशनियाँ पास करते हैं, इधर होते हैं तो इधर की रोशनी इधर पास करते हैं, लेकिन फाइनली वो पार्ट किसका हुआ, इसी मंजिल का हुआ। वो रोशनी किसको दे रहे हैं, वो इसी को दे रहे हैं, इसी मंजिल को दे रहे हैं, समझ गया। तो झरोखे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन फाइनली वो काम किसके लिए कर रहे हैं, एक ही मंजिल के लिए कर रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक सूर्य पिंड है, सूर्य मूल पिंड है और उसके चारों तरफ अनेक पिंड चक्कर लगाते हैं, तो मूल पिंड कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और अनेक उसके जो पिंड हुए वो कौन हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य हुए। तो इस प्रकार से सभी पिंडों में मूल जो है वो सूर्य पिंड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अब बात करते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का गठन कैसे हुआ, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन कैसे करता है। अब सवाल आता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो है मुख्यतः अंतर जो है वो ये है कि प्राय लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों में अंतर भी है और निश्चित रूप से अंतर है ही। और इसका मोटा मोटा अंतर हम विभिन्न मुद्दों के जरिए डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि दोनों में जो अंतर है वो सबसे पहला जो अंतर है वो है आकार संबंधी अंतर। में हम इस तरह से करेंगे अंतर बेटा कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि 7 से 8 सदस्य हो सकते हैं, 12 से 14 तक सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आकार संबंधी अंतर में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम होती है जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। अब अधिक शक्ति इसके पास है, अधिक संख्या इसके पास है, अधिक संख्या होते हुए भी इसके पास शक्ति कम है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं होते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत से मंत्रिपरिषद के सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास कोई विभाग होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला अंतर हुआ आकार संबंधी अंतर कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है जबकि मंत्रिपरिषद का आकार अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल के काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या भी कोई निश्चित नहीं, किसी भी देश में वो अपने अपने सुविधा से इसकी संख्या को निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये दे रखा है कि ब्रिटेन में करीब 70 से 90 तक मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य 12 से 18 तक सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते और विभागों के अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है पद संबंधी अपने विभाग के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गृह मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई जो है आप लोग कह सकते हैं कि खाद्य मंत्री है, तो विशेष शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है,
विदेश मंत्री है, ये सभी क्या है, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, ये सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। लेकिन मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनमें अधिकांश सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई पद ही नहीं होता है, कोई विभाग ही नहीं होता है। पद संबंधी अंतर इस प्रकार से हुआ। तीसरा जो अंतर है मंत्रिमंडल और परिषद में वो है वेतन संबंधी। वेतन संबंधी अंतर जो है वो इस प्रकार से है, जाहिर सी बात है जिनका पद बड़ा, जिनका पद निश्चित, जिनके विभाग बड़े उनका वेतन भी बड़ा। तो नेचुरल सी बात हुई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की अपेक्षा मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक होता है। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कम, मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक। अकॉर्डिंग टू दोनों विभागों में बहुत अंतर जो है वो वेतन के संदर्भ में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण अंतर है कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर। कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर में आप बहुत आसानी से इसको सुनते ही समझ गए होंगे कि कार्य जिनके पास कोई निश्चित नहीं होता, जिनके पास कोई निश्चित विभाग नहीं होता, लेकिन उनके पास जाहिर सी बात है कि शक्ति पावर में भी वो इतने नहीं होते, संख्या में अधिक होते हैं लेकिन पावर में शक्ति में उतने अधिक नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास बहुत अधिक पावर होता है। हाँ ये बात और है बेटा कि प्रधानमंत्री इन सब के सपोर्ट से ही अपने पद पर सुरक्षित हैं, इन सब का सहयोग, इन सब की सहमति जब तक प्रधानमंत्री के साथ है उसके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, तब तक प्रधानमंत्री को कोई हिला नहीं सकता। सबका समर्थन, सब जिंदा है, एक और अल्पमत में गए कुछ सदस्य और सभी के सभी खत्म हो गए। कहने का मतलब कोई एक साथ तैरते हैं, एक साथ उठते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के सदस्य जब तक प्रधानमंत्री को अपना सहयोग देते रहेंगे तब तक उनकी सरकार चलती रहेगी। हालांकि संसद में पार्टी के सभी लोग उनका सहमति करते हैं, समर्थन देते हैं उनको, जब तक पार्टी के लोग जो है आप यूँ कह सकते हैं कि बहुमत में रहते हैं तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करता रहता है। हालांकि 5 साल के लिए सरकार निर्वाचित होती है लेकिन अल्पमत में जाने के बाद समय से पहले भी उसे विघटित होना पड़ सकता है। कहने का मतलब कोई निश्चित सरकार नहीं है। हालांकि आमतौर पर द्विदलीय शासन व्यवस्था में ऐसी नौबत नहीं आती कि सरकार समय से पहले बदल जाती है। अपने भारत देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण कई बार ऐसी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अमेरिका जो है ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, 2 दल मजबूत है, 1 दल को सिर्फ बहुमत है, किसी दूसरे को नहीं है, तो वो अल्पमत में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों को देखा जाए तो कभी भी सरकार गिरने की संभावना नहीं होती है। हाँ ये है कि पिछले दिनों में एक लेटेस्ट बात ये अपना पूरा हुआ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का। अब इसमें मैं आपको PDF और भेज दूंगी इसके साथ ही, लेकिन आज मैंने आपको उसमें बताया प्रधानमंत्री का गठन, प्रधानमंत्री कैसे बनता है ब्रिटेन में, क्या प्रोसेस है उसका, प्रधानमंत्री के बाद उसका मंत्रिमंडल का गठन, फिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर मुख्य है किन किन आधार पर किया जाता है। अब इसमें मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताऊँ कि अभी ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन जो है वो वर्तमान तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले एक ही सत्र में 5 साल के दौरान जो है कई बार जो है उनकी सरकारें चेंज हुई हैं, प्रधानमंत्री बदले हैं। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में एक ऐसा विशेष मुद्दा था जो हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको याद करना और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से इंटरनेट पर उसको खोजना कि वो कौन सा मैटर था, और उस मैटर के आधार पर उसी पार्टी के व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने से मना किया। क्योंकि जैसे कि किसी मुद्दे को लेकर के सहमति होती है सदन में, आप राय बनती है, तो उन्हीं के दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे के पक्ष में वोट नहीं किया और अल्पमत में आ गई सरकार। अल्पमत में आने के कारण उसे पद छोड़ना पड़ा और 3 बार 2 बार ऐसा हुआ, फिर दोबारा से ब्रिटेन में चुनाव हुए और अभी बोरिस जॉनसन जिसने अपना वायदा निभाया वो तत्कालीन प्रधानमंत्री उसी वादे के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल हो भले प्रधानमंत्री हो उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या मुख्यतः कार्य करता है, इस प्रकार से हम इस वीडियो में
गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी बीएससी क्लियर की सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। लंबे समय बाद आज फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप सबका स्वागत है इसमें। बेटा, जैसा कि हम पहले ब्रिटेन के संविधान में कुछ वीडियो जो है उनमें आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका बी ए सेकेंड ईयर का प्रथम पेपर जिसमें विश्व के प्रमुख संविधान, जिसको संविधानों की दुनिया भी आप कह सकती हैं, जिसमें ब्रिटेन का संविधान हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रिटेन के संविधान में आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग संविधानों का समावेश है। आप यूँ भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ब्रिटेन के संविधान में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको दुनिया के देशों ने अपने संविधानों में शामिल किया है, ब्रिटेन के संविधान का अनुसरण किया है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान, अलिखित संविधान, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सबसे अद्भुत विचित्र संविधान है। आप बेटा, आज जो है वीडियो में आपकी क्लास लेने का तरीका जो है पूरी तरह से बदल गया है। आप अपने आप को एक मिनट के लिए इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको मैं सामने से पढ़ा रही हूँ और आप मुझे पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम क्लास में नोट्स लिखते थे, जिस तरीके से मैं आपको क्लास में पढ़ाती थी, ठीक उसी तरीके से हम इन वीडियो क्लासेस में भी पढ़ेंगे। क्योंकि PDF के ज़रिए मैं आपको जो नोट्स भेज रही हूँ और आपको मैं जो बिना देखे जो लेक्चर देती हूँ बेटा, पिछले वीडियोस में जैसा कि आपने सुना होगा उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसान एक एक चीज़ को बिना लिखवाए जब डिस्कस करता है तो उसमें मोटी मोटी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है, सारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने दोबारा से अपने इस वीडियो में इस तरह की मुहिम को शुरू किया है जिसमें आपको एज इट इज ऐसा आभास हो, ऐसा आपको लगे, आप पेन और कॉपी उठाएं और बाकायदा नोट्स बनाते हुए इस वीडियो को पढ़ें। आज आपकी क्लास जो है वो रोज 20-22 मिनट की होगी। 20-22 मिनट में आप जितना लिख पाते हैं, जितना मैं आपको समझाती हूँ उतना समझ पाते हैं, उतना ये समझ लीजिए कि अपने सिलेबस का वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस प्रकार से आज हम वीडियो में बिना आप यूँ समझ लीजिए कि बिना किसी चीज़ की काट छांट किए सिलेबस में एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को लेते हुए साथ लेते हुए चलें और उसी प्रकार से हम पढ़ें जिस प्रकार से आप उसे क्लास में पढ़ते आए, ठीक है। तो बेटा, आज जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रही हैं कि ब्रिटेन के संविधान में आज हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी समय हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत हम पढ़ चुके हैं, राजा और राजमुकुट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, इसके बाद अभी समय मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अब नंबर आता है, बारी आती है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की। इसमें एक हल्का सा जो है आपको मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रधानमंत्री, आप यूँ कह सकते हैं कि भले वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो चाहे वो भारत देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि दोनों में ही संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल के नेता को जो सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर कर आती है, जिसको सबसे अधिक लोगों का सपोर्ट बहुमत मिलता है, उसके उस दल के नेता को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते हैं बल्कि उसके दल को आप वोट करते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वसम्मति से, दल की पूरी सहमति से प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है। याद रहे आपको कि सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की जो परंपरा है वो सबसे पहले ब्रिटेन से ही प्रारंभ हुई है। ब्रिटेन में प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मिस्टर वॉलपोल था और वॉलपोल जब प्रधानमंत्री बने तो कोई ट्रेडिशन से नहीं, वहाँ कोई ऐसा लिखित कोई नियम नहीं था, किसी ने पहले ये दिमाग में भी नहीं रखा होगा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए इस प्रकार से, नहीं। वहाँ पे एक लंबे समय से जो आवश्यकताएँ चली, जिस प्रकार से जो चीज़ें चल रही थी, उन्हीं के अनुरूप ये हुआ कि वहाँ पर आज भी द्विदलीय शासन व्यवस्था है, भले ही दल बदलते गए हैं लेकिन शुरू से लेकर के आज तक अगर हम अध्ययन करें ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का तो वहाँ पर मुख्यतः दो ही दलों का अस्तित्व रहा है। दो ही दलों में आज वहाँ पर जो दल हैं
उनमें आप यूँ कह सकते हैं कि आज भी एक दल की सत्ता बनती है, सरकार बनती है, तो दूसरा दल निश्चित रूप से अल्पमत में होता है और वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो इसमें स्पष्ट स्थिति ये हो जाती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को देश में सबसे अधिक बहुमत मिला है उस दल का नेता जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। अब प्रधानमंत्री बन जाने के बाद क्या होता है? बात आता है कि उसका एक मंत्रिमंडल होगा, वो अपने सहयोगियों का एक ऐसा जो है सदन गठित करेगा जिसमें वो गठित व्यक्ति जो है वो अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे, जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के चारों तरफ विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का जो है वो दायित्व निभाते हैं, उत्तरदायित्व उन पर होता है। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि देश की मुख्यतः कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं, मुख्यतः जो विभाग होते हैं, उन सबका उत्तरदायित्व जो है वो प्रधानमंत्री और उसके बाद उनके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का ही होता है। तो इस प्रकार से एक मंत्रिमंडल जिसकी संख्या हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित की गई है, ब्रिटेन में मुश्किल से 8 या 10, 12 से 15 व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री अपने बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिनका लंबे समय से पार्टी से जुड़ाव होता है, जो अनुशासित होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो कार्य करने में दक्ष होते हैं और उन्हें लंबा पॉलिटिकल अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में चूंकि एजुकेशन को वेटेज दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पॉलिटिकल पार्टी में तो अनुभव लंबा रखता ही रखता है, इसके अलावा उसमें विशेष उस विभाग को संभालने की दक्षता भी होती है, उसमें वो योग्यता भी होती है। इस प्रकार से वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही सुशिक्षित तरीके से एक मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन कर लेता है उसके बाद एक मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। अब आमतौर पर ज़्यादातर विद्यार्थी क्या समझते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को वो एक ही समझ बैठते हैं और उनमें उनको कोई विशेष अंतर नजर भी नहीं आता है। लेकिन आप भले ये जो आपको मैं अभी चीज़ बता रही हूँ, ये अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान में भी है और ये भारत के संविधान में भी है, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो रही है। क्योंकि बेटा सेकंड पेपर जैसे आप पढ़ेंगे भारतीय शासन, तो भारतीय शासन और राजनीति में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उसमें भी प्रधानमंत्री होगा, उसमें भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होगी, तो सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि लगभग भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान की तर्ज पर ही निर्धारित है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है उनमें हम अंतर करते हैं तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से इसे जो है बताती हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं पढ़कर इसको सुनाती हूँ आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। कि बेटा सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विकास हुआ, कहाँ? ब्रिटेन में। 19वीं शताब्दी में उसके सुनिश्चित स्वरूपों को विकसित किया गया और मंत्रिमंडल के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य हों, सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हों और संसद में उस दल का बहुमत हो। आगे वही बात घूम करके आपको शायद समझ में नहीं आएगी, मैं आपको उसमें जो है इसका आपको सरल तरीके से बताती हूँ कि उसी पार्टी के व्यक्ति होंगे, उसी दल के व्यक्ति होंगे, जाहिर सी बात है उसी दल के जो बहुमत से आए हैं, मंत्री प्रधानमंत्री उसी दल का बनेगा, मंत्रिमंडल उसी दल का बनेगा, तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद भी उन्हीं का बनेगा। इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल के गठन की शुरुआत है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंत्रिमंडल की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे देखो आप यूँ कह सकते हैं कि 7 या 8 व्यक्तियों का एक जो समूह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है, उनका ये जो समूह है ये पूरे देश को चलाता है, पूरे देश की राजनीतिक शक्तियों को अपने विभागों में समाहित करता है और उन्हीं विभागों के आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे शुरू में इस बात की कल्पना नहीं की गई थी कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री और जो है उसका मंत्रिमंडल जो होगा वो इतना पावरफुल होगा, लेकिन समय की मांग के अनुसार इन सब चीज़ों में भारी वृद्धि हुई और आज वर्तमान समय में स्थिति ये है, भले वो भारत की व्यवस्था हो, भले वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था हो, सब में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कंप्लीट राजनीतिक शक्ति के कर्ता-धर्ता होते हैं, कंप्लीट उन शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं और निरंतर इनकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है।
आज राजा या सभी आप यूँ कह सकते हैं कि राजा या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो आपको सरकार में सहभागी तो नजर आएगा, लेकिन वो सभी एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक छाया के मात्र छाया के हिसाब से हैं। बाकी मूल शक्तियों का जो स्रोत है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि लावेल का एक कथन है बेटा, लावेल ने मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अपना एक कोटेशन दिया है और वो है कि प्रधानमंत्री का यह कार्य ऐसा ही है जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लॉकों की सहायता से जो एक दूसरे से मेल खाते हो। सभी के ब्लॉक हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक जगह है और उसके एक पिंड है, आप यूँ कह सकते हैं पिंड भी नहीं समझेंगे आप यूँ समझिए जैसे मान लीजिए कि एक मंजिल है, एक घर है और एक घर में अलग अलग झरोखे बनाते हैं, ठीक है। वो झरोखे अलग अलग तरीके से, इधर से जब रोशनी होती है तो इधर की रोशनी आप पास करते हैं, इधर होते हैं तो इधर की रोशनी इधर पास करते हैं, लेकिन फाइनली वो पार्ट किसका हुआ, इसी मंजिल का हुआ। वो रोशनी किसको दे रहे हैं, वो इसी को दे रहे हैं, इसी मंजिल को दे रहे हैं, समझ गया। तो झरोखे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन फाइनली वो काम किसके लिए कर रहे हैं, एक ही मंजिल के लिए कर रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक सूर्य पिंड है, सूर्य मूल पिंड है और उसके चारों तरफ अनेक पिंड चक्कर लगाते हैं, तो मूल पिंड कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और अनेक उसके जो पिंड हुए वो कौन हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य हुए। तो इस प्रकार से सभी पिंडों में मूल जो है वो सूर्य पिंड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का गठन कैसे हुआ, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन कैसे करता है। अब सवाल आता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो है मुख्यतः अंतर जो है वो ये है कि प्राय लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों में अंतर भी है और निश्चित रूप से अंतर है ही, और इसका मोटा मोटा अंतर हम विभिन्न बिंदुओं के जरिए डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि दोनों में जो अंतर है वो सबसे पहला जो अंतर है वो है आकार संबंधी अंतर। में हम इस तरह से करेंगे अंतर बेटा कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि 7 से 8 सदस्य हो सकते हैं, 12 से 14 तक सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आकार संबंधी अंतर में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम होती है जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। अब अधिक शक्ति इसके पास है, अधिक संख्या इसके पास है, अधिक संख्या होते हुए भी इसके पास शक्ति कम है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं होते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत से मंत्रिपरिषद के सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास कोई विभाग होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला अंतर हुआ आकार कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है जबकि मंत्रिपरिषद का आकार अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल के काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या भी कोई निश्चित नहीं किसी भी देश में, वो अपने अपने सुविधा से इसकी संख्या को निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये दे रखा है कि ब्रिटेन में करीब 70 से 90 तक मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य 12 से 18 तक सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते और विभागों के अध्यक्ष जो होते हैं उनके क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है पद संबंधी आप साथ साथ में बेटा इसको लिखते जाएं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में प्रमुख अंतर क्या है। तो 4 अंतर मैं आपको इसमें बताऊंगी, एक अंतर है आकार संबंधी अंतर, दूसरा है पद संबंधी अंतर। तो पद संबंधी अंतर क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का जो पद होता है वो एक निश्चित अपने विभाग के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गृह मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई जो है आप कह सकते हैं कि खाद्य मंत्री है, तो विशेष शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है,
विदेश मंत्री हैं, ये सभी क्या हैं, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, ये सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। लेकिन मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनमें अधिकांश सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई पद ही नहीं होता है, कोई विभाग ही नहीं होता है, पद संबंधी अंतर इस प्रकार से हुआ। तीसरा जो अंतर है मंत्रिमंडल और परिषद में वो है वेतन संबंधी। वेतन संबंधी अंतर जो है वो इस प्रकार से है, जाहिर सी बात है जिनका पद बड़ा, जिनका पद निश्चित, जिनके विभाग बड़े उनका वेतन भी बड़ा। तो नेचुरल सी बात हुई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की अपेक्षा मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक होता है। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कम, मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक। अकॉर्डिंग टू दोनों विभागों में बहुत अंतर जो है वो वेतन के संदर्भ में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण अंतर है कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर। कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर में आप बहुत आसानी से इसको सुनते ही समझ गए होंगे कि कार्य जिनके पास कोई निश्चित नहीं होता, जिनके पास कोई निश्चित विभाग नहीं होता, लेकिन उनके पास जाहिर सी बात है कि शक्ति पावर में भी वो इतने नहीं होते, संख्या में अधिक होते हैं लेकिन पावर में शक्ति में उतने अधिक नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास बहुत अधिक पावर होता है। हाँ ये बात और है बेटा कि प्रधानमंत्री इन सब के सपोर्ट से ही अपने पद पर सुरक्षित हैं, इन सब का सहयोग, इन सब की सहमति जब तक प्रधानमंत्री के साथ है उसके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, तब तक प्रधानमंत्री को कोई हिला नहीं सकता। सबका समर्थन, सब जिंदा है, एक और अल्पमत में गए कुछ सदस्य और सभी के सभी खत्म हो गए। कहने का मतलब वो एक साथ तैरते हैं, एक साथ उठते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य जब तक प्रधानमंत्री को अपना सहयोग देते रहेंगे तब तक उनकी सरकार चलती रहेगी। हालांकि संसद में पार्टी के सभी लोग उनकी सहमति करते हैं, समर्थन देते हैं उनको, जब तक पार्टी के लोग जो है आप यूँ कह सकते हैं कि बहुमत में रहते हैं तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करता रहता है। हालांकि 5 साल के लिए सरकार निर्वाचित होती है लेकिन अल्पमत में जाने के बाद समय से पहले भी उसे विघटित होना पड़ सकता है। कहने का मतलब कोई निश्चित सरकार नहीं है। हालांकि आमतौर पर द्विदलीय शासन व्यवस्था में ऐसी नौबत नहीं आती कि सरकार समय से पहले बदल जाती है। अपने भारत देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण कई बार ऐसी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अमेरिका जो है ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, 2 दल मजबूत है, 1 दल को स्पष्ट बहुमत है, किसी दूसरे को नहीं है, तो वो अल्पमत में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों को देखा जाए तो कभी भी सरकार गिरने की संभावना नहीं होती है। हाँ ये है कि पिछले दिनों में एक लेटेस्ट बात ये अपना पूरा हुआ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का। अब इसमें मैं आपको PDF और भेज दूंगी इसके साथ ही, लेकिन आज मैंने आपको उसमें बताया प्रधानमंत्री का गठन, प्रधानमंत्री कैसे बनता है ब्रिटेन में, क्या प्रोसेस है उसका, प्रधानमंत्री के बाद उसका मंत्रिमंडल का गठन, फिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर मुख्य है किन किन आधारों पर किया जाता है। अब इसमें मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताऊँ कि अभी ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन जो है वो वर्तमान तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले एक ही सत्र में 5 साल के दौरान जो है कई बार जो है उनकी सरकारें चेंज हुई हैं, प्रधानमंत्री बदले हैं। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में एक ऐसा विशेष मुद्दा था जो हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको याद करना और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से इंटरनेट पर खोजना कि वो कौन सा मैटर था, और उस मैटर के आधार पर उसी पार्टी के व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने से मना किया। क्योंकि जैसे कि किसी मुद्दे को लेकर के सहमति होती है सदन में, आम राय बनती है, तो उन्हीं के दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे के पक्ष में वोट नहीं किया और अल्पमत में आ गई सरकार। अल्पमत में आने के कारण उसे पद छोड़ना पड़ा और 2 बार ऐसा हुआ, फिर दोबारा से ब्रिटेन में चुनाव हुए और अभी बोरिस जॉनसन जिसने अपना वायदा निभाया वो तत्कालीन प्रधानमंत्री उसी वादे के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल हो भले प्रधानमंत्री हो उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या मुख्यतः कार्य करता है, इस प्रकार से हम इस वीडियो में
कल ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी बीएससी क्लियर की सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। लंबे समय बाद आज फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, आप सबका स्वागत है इसमें। बेटा, जैसा कि हम पहले ब्रिटेन के संविधान में कुछ वीडियो जो है उनमें आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका बीए सेकेंड ईयर का प्रथम पेपर जिसमें विश्व के प्रमुख संविधान, जिसको संविधानों की दुनिया भी आप कह सकती हैं, जिसमें ब्रिटेन का संविधान हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रिटेन के संविधान में आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग संविधानों का समावेश है। आप यूँ भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ब्रिटेन के संविधान में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको दुनिया के देशों ने अपने संविधानों में शामिल किया है, ब्रिटेन के संविधान का अनुसरण किया है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान, अलिखित संविधान, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सबसे अद्भुत विचित्र संविधान है। आप बेटा, आज जो है वीडियो में आपकी क्लास लेने का तरीका जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। आप अपने आप को एक मिनट के लिए इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपको मैं सामने से पढ़ा रही हूँ और आप मुझे पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम क्लास में नोट्स लिखते थे, जिस तरीके से मैं आपको क्लास में पढ़ाती थी, ठीक उसी तरीके से हम इन वीडियो क्लासेस में भी पढ़ेंगे। क्योंकि PDF के ज़रिए मैं आपको जो नोट्स भेज रही हूँ और आपको मैं जो बिना देखे जो लेक्चर देती हूँ बेटा, पिछले वीडियोज़ में जैसा कि आपने सुना होगा उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि इंसान एक एक चीज़ को बिना लिखवाए जब डिस्कस करता है तो उसमें मोटी मोटी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रकाश डाला जा सकता है, सारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने दोबारा से अपने इस वीडियो में इस तरह की मुहिम को शुरू किया है जिसमें आपको एज इट इज ऐसा आभास हो, ऐसा आपको लगे, आप पेन और कॉपी उठाएं और बाकायदा नोट्स बनाते हुए इस वीडियो को पढ़ें। आज आपकी क्लास जो है वो रोज 20-22 मिनट की होगी। 20-22 मिनट में आप जितना लिख पाते हैं, जितना मैं आपको समझाती हूँ उतना समझ पाते हैं, उतना ये समझ लीजिए कि अपने सिलेबस का वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस प्रकार से आज हम वीडियो में बिना आप यूँ समझ लीजिए कि बिना किसी चीज़ की काट छांट किए सिलेबस में एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को लेते हुए साथ लेते हुए चलें और उसी प्रकार से हम पढ़ें जिस प्रकार से आप उसे क्लास में पढ़ते आए, ठीक है। तो बेटा, आज जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रही हैं कि ब्रिटेन के संविधान में आज हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी समय हम पढ़ चुके हैं ब्रिटेन की विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत हम पढ़ चुके हैं, राजा और राजमुकुट मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया, इसके बाद अभी समय मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अब नंबर आता है, बारी आती है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की। इसमें एक हल्का सा जो है आपको मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रधानमंत्री, आप यूँ कह सकते हैं कि भले वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो चाहे वो भारत देश का प्रधानमंत्री हो, क्योंकि दोनों में ही संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल के नेता को जो सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर कर आती है, जिसको सबसे अधिक लोगों का सबूत बहुमत मिलता है, उसके उस दल के नेता को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते हैं बल्कि उसके दल को आप वोट करते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वसम्मति से, दल की पूरी सहमति से प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है। याद रहे आपको कि सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की जो परंपरा है वो सबसे पहले ब्रिटेन से ही प्रारंभ हुई है। ब्रिटेन में प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मिस्टर वॉलपोल था और वॉलपोल जब प्रधानमंत्री बने तो कोई ट्रेडिशन से नहीं, वहाँ कोई ऐसा लिखित कोई नियम नहीं था, किसी ने पहले ये दिमाग में भी नहीं रखा होगा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए इस प्रकार से, नहीं, वहाँ पे एक लंबे समय से जो आवश्यकताएँ चली, जिस प्रकार से जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं के अनुरूप ये हुआ कि वहाँ पर आज भी द्विदलीय शासन व्यवस्था है। भले ही दल बदलते गए हैं लेकिन शुरू से लेकर के आज तक अगर हम अध्ययन करें ब्रिटेन के राजनीतिक दलों का, तो वहाँ पर
दो ही दलों का अस्तित्व रहा है। दो ही दलों में आज वहाँ पर जो दल है उनमें आप यूँ कह सकते हैं कि आज भी एक दल की सत्ता बनती है, सरकार बनती है, तो दूसरा दल निश्चित रूप से अल्पमत में होता है और वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो इसमें स्पष्ट स्थिति ये हो जाती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को देश में सबसे अधिक बहुमत मिला है उस दल का नेता जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। अब प्रधानमंत्री बन जाने के बाद क्या होता है? बात आता है कि उसका एक मंत्रिमंडल होगा, वो अपने सहयोगियों का एक ऐसा जो है सदन गठित करेगा जिसमें वो गठित व्यक्ति जो है वो अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे, जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के चारों तरफ विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का जो है वो दायित्व निभाते हैं, उत्तरदायित्व उन पर होता है। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि देश की मुख्यतः कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं, मुख्यतः जो विभाग होते हैं, उन सबका उत्तरदायित्व जो है वो प्रधानमंत्री और उसके बाद उनके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का ही होता है। तो इस प्रकार से एक मंत्रिमंडल जिसकी संख्या आप कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित की गई है। ब्रिटेन में मुश्किल से 8 या 10, 12 से 15 व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री अपने बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिनका लंबे समय से पार्टी से जुड़ाव होता है, जो अनुशासित होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो कार्य करने में दक्ष होते हैं और उन्हें लंबा पॉलिटिकल अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन में चूँकि एजुकेशन को वेटेज दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने पॉलिटिकल पार्टी में तो अनुभव लंबा रखता ही रखता है, इसके अलावा उसमें विशेष उस विभाग को संभालने की दक्षता भी होती है, उसमें वो योग्यता भी होती है। इस प्रकार से वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही सुशिक्षित तरीके से एक मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन कर लेता है उसके बाद एक मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है। अब आमतौर पर ज़्यादातर विद्यार्थी क्या समझते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को वो एक ही समझ बैठते हैं और उनमें उनको कोई विशेष अंतर नजर भी नहीं आता है, लेकिन आप भले ये जो आपको मैं अभी चीज़ बता रही हूँ ये अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान में भी है और ये भारत के संविधान में भी है, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ हो रही है। क्योंकि बेटा सेकंड पेपर जैसे आप पढ़ेंगे भारतीय शासन, तो भारतीय शासन और राजनीति में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उसमें भी प्रधानमंत्री होगा, उसमें भी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होगी, तो सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि लगभग भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान की तर्ज पर ही निर्धारित है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है उनमें हम अंतर करते हैं तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से इसमें जो है बताती हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं पढ़कर इसमें सुनाती हूँ आपके नोट्स के अकॉर्डिंग कि बेटा सबसे पहले 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विकास हुआ, कहाँ? ब्रिटेन में। 19वीं शताब्दी में उसके सुनिश्चित स्वरूपों को विकसित किया गया और मंत्रिमंडल के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य हों, सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हों और संसद में उस दल का बहुमत हो। आगे वही बात घूम करके आपको शायद समझ में नहीं आएगी, मैं आपको उसमें जो है इसका आपको सरल तरीके से बताती हूँ कि उसी पार्टी के व्यक्ति होंगे, उसी दल के व्यक्ति होंगे, जाहिर सी बात है उसी दल के जो बहुमत से आए हैं मंत्री, प्रधानमंत्री उसी दल का बनेगा, मंत्रिमंडल उसी दल का बनेगा, तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद भी उन्हीं का बनेगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन की शुरुआत है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंत्रिमंडल की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे देखो आप यूँ कह सकते हैं कि 7 या 8 व्यक्तियों का एक जो समूह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है उनका ये जो समूह है ये पूरे देश को चलाता है, पूरे देश की राजनीतिक शक्तियों को अपने विभागों में समाहित करता है और उन्हीं विभागों के आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे शुरू में इस बात की कल्पना नहीं की गई थी कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री और जो है उसका मंत्रिमंडल जो होगा वो इतना पावरफुल होगा, लेकिन समय की मांग के अनुसार इन सब चीज़ों में भारी वृद्धि हुई और आज वर्तमान समय में स्थिति ये है, भले वो भारत की व्यवस्था हो, भले वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था हो, सब में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कंप्लीट राजनीतिक शक्ति के कर्ता धर्ता होते हैं, कंप्लीट
लोग करते हैं और निरंतर इनकी शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। आज राजा या सभी आप यूँ कह सकते हैं कि राजा या अन्य कोई भी व्यक्ति होगा जो आपको सरकार में सहभागी तो नजर आएगा, लेकिन वो सभी एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक छाया के मात्र छाया के हिसाब से हैं। बाकी मूल शक्तियों का जो स्रोत है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि लावेल का एक कथन है बेटा, लावेल ने मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अपना एक कोटेशन दिया है और वो है कि प्रधानमंत्री का यह कार्य ऐसा ही है जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लॉकों की सहायता से जो एक दूसरे से मेल खाते हो। सभी ब्लॉक हैं जैसे मान लीजिए कि एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक जगह है और उसके एक पिंड है, आप यूँ कह सकते हैं पिंड भी नहीं समझेंगे आप यूँ समझिए जैसे मान लीजिए कि एक मंजिल है, एक घर है और एक घर में अलग अलग झरोखे बनाते हैं, ठीक है। वो झरोखे अलग अलग तरीके से इधर से जब रोशनी होती है तो इधर की रोशनी आप पास करते हैं, इधर होते हैं तो इधर की रोशनी इधर पास करते हैं, लेकिन फाइनली वो पार्ट किसका हुआ, इसी मंजिल का हुआ। वो रोशनी किसको दे रहे हैं, वो इसी को दे रहे हैं, इसी मंजिल को दे रहे हैं, समझते हैं। तो झरोखे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन फाइनली वो काम किसके लिए कर रहे हैं, एक ही मंजिल के लिए कर रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक सूर्य पिंड है, सूर्य मूल पिंड है और उसके चारों तरफ अनेक पिंड चक्कर लगाते हैं, तो मूल पिंड कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ और अनेक उसके जो पिंड हुए वो कौन हुए, मंत्रिमंडल के सदस्य हुए। तो इस प्रकार से सभी पिंडों में मूल जो है वो सूर्य पिंड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का गठन कैसे हुआ, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन कैसे करता है। अब सवाल आता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जो है मुख्यतः अंतर जो है वो ये है कि प्राय लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों में अंतर भी है और निश्चित रूप से अंतर है ही। और इसका मोटा मोटा अंतर हम विभिन्न बिंदुओं के जरिए डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि दोनों में जो अंतर है वो सबसे पहला जो अंतर है वो है आकार संबंधी अंतर में हम इस तरह से करेंगे अंतर बेटा कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है, मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि 7 से 8 सदस्य हो सकते हैं, 12 से 14 तक सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आकार संबंधी अंतर में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम होती है जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। अब अधिक शक्ति इसके पास है, अधिक संख्या इसके पास है, अधिक संख्या होते हुए भी इसके पास शक्ति कम है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं होते हैं। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत से मंत्रिपरिषद के सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास कोई विभाग होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला अंतर हुआ आकार कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है जबकि मंत्रिपरिषद का आकार अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल के काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या भी कोई निश्चित नहीं, किसी भी देश में वो अपने अपने सुविधा से इसकी संख्या को निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये दे रखा है कि ब्रिटेन में करीब 70 से 90 तक मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य 12 से 18 तक सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते और विभागों के अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है पद संबंधी अपने विभाग के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गृह मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है,
कोई जो है आप कह सकते हैं कि खाद्य मंत्री है, तो विशेष शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, विदेश मंत्री है, ये सभी क्या है, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, ये सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। लेकिन मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनमें अधिकांश सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई पद ही नहीं होता है, कोई विभाग ही नहीं होता है। पद संबंधी अंतर इस प्रकार से हुआ। तीसरा जो अंतर है मंत्रिमंडल और परिषद में वो है वेतन संबंधी। वेतन संबंधी अंतर जो है वो इस प्रकार से है, जाहिर सी बात है जिनका पद बड़ा, जिनका पद निश्चित, जिनके विभाग बड़े उनका वेतन भी बड़ा। तो नेचुरल सी बात हुई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की अपेक्षा मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक होता है। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कम, मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन बहुत अधिक। अकॉर्डिंग टू दोनों विभागों में बहुत अंतर जो है वो वेतन के संदर्भ में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण अंतर है कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर। कार्य और शक्ति के आधार पर अंतर में आप बहुत आसानी से इसको सुनते ही समझ गए होंगे कि कार्य जिनके पास कोई निश्चित नहीं होता, जिनके पास कोई निश्चित विभाग नहीं होता, लेकिन उनके पास जाहिर सी बात है कि शक्ति पावर में भी वो इतने नहीं होते, संख्या में अधिक होते हैं लेकिन पावर में शक्ति में उतने अधिक नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास बहुत अधिक पावर होता है। हाँ ये बात और है बेटा कि प्रधानमंत्री इन सब के सपोर्ट से ही अपने पद पर सुरक्षित हैं, इन सब का सहयोग, इन सब की सहमति जब तक प्रधानमंत्री के साथ है उसके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, तब तक प्रधानमंत्री को कोई हिला नहीं सकता। सबका समर्थन, सब जिंदा है, एक और अल्पमत में गए कुछ सदस्य और सभी के सभी खत्म हो गए। कहने का मतलब कोई एक साथ तैरते हैं, एक साथ उठते हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के सदस्य जब तक प्रधानमंत्री को अपना सहयोग देते रहेंगे तब तक उनकी सरकार चलती रहेगी। हालांकि संसद में पार्टी के सभी लोग उनका सहमति करते हैं, समर्थन देते हैं उनको, जब तक पार्टी के लोग जो है आप यूँ कह सकते हैं कि बहुमत में रहते हैं तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करता रहता है। हालांकि 5 साल के लिए सरकार निर्वाचित होती है लेकिन अल्पमत में जाने के बाद समय से पहले भी उसे विघटित होना पड़ सकता है। कहने का मतलब कोई निश्चित सरकार नहीं है। हालांकि आमतौर पर द्विदलीय शासन व्यवस्था में ऐसी नौबत नहीं आती कि सरकार समय से पहले बदल जाती है। अपने भारत देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण कई बार ऐसी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अमेरिका जो है ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, 2 दल मजबूत है, 1 दल को सिर्फ बहुमत है, किसी दूसरे को नहीं है, तो वो अल्पमत में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों को देखा जाए तो कभी भी सरकार गिरने की संभावना नहीं होती है। हाँ ये है कि पिछले दिनों में एक लेटेस्ट बात ये अपना पूरा हुआ मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का। अब इसमें मैं आपको PDF और भेज दूंगी इसके साथ ही, लेकिन आज मैंने आपको उसमें बताया प्रधानमंत्री का गठन, प्रधानमंत्री कैसे बनता है ब्रिटेन में, क्या प्रोसेस है उसका, प्रधानमंत्री के बाद उसका मंत्रिमंडल का गठन, फिर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर मुख्य है किन किन आधार पर किया जाता है। अब इसमें मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताऊँ कि अभी ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन जो है वो वर्तमान तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले एक ही सत्र में 5 साल के दौरान जो है कई बार जो है उनकी सरकारें चेंज हुई हैं, प्रधानमंत्री बदले हैं। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में एक ऐसा विशेष मुद्दा था जो हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको याद करना और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से इंटरनेट पर उसको खोजना कि वो कौन सा मैटर था, और उस मैटर के आधार पर उसी पार्टी के व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने से मना किया। क्योंकि जैसे कि किसी मुद्दे को लेकर के सहमति होती है सदन में, आम राय बनती है, तो उन्हीं के दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को उस मुद्दे के पक्ष में वोट नहीं किया और अल्पमत में आ गई सरकार। अल्पमत में आने के कारण उसे पद छोड़ना पड़ा और 3 बार 2 बार ऐसा हुआ, फिर दोबारा से ब्रिटेन में चुनाव हुए और अभी बोरिस जॉनसन जिसने अपना वायदा निभाया वो तत्कालीन प्रधानमंत्री उसी वादे के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, कल हम बात करेंगे
मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल हो भले प्रधानमंत्री हो, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो क्या क्या मुख्यतः कार्य करता है, इस प्रकार से हम कल ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।